मशहूर शायर कैफी आजमी ने एक बार कहा था कि गजल के दो मायने होते हैं, पहला गजल और दूसरा बेगम अख्तर। ये वही बेगम अख्तर हैं जिन्हें मलिकाए गजल कहा जाता है। ये इनकी गायकी का ही जादू था जो इन्हें ये टैग मिला था। जो गजल पहले कोठों की शान हुआ करती थी, उन्हीं गजलों को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलिकाए गजल का ताज पहनने वाली बेगम अख्तर को कभी गाने का शौक भी नहीं था, बल्कि ये तो शराब और सिगरेट के नशे में चूर रहती थी। फिर कैसे बनी एक नशा करने वाली महिला से गजल की मलिका, कहानी काफी हटकर है जो बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 7 अक्टूबर 1914 को अख्तरी बाई फैजाबादी के रूप में बेगम अख्तर का जन्म हुआ था। इनकी मां मुस्तरी भाई एक तवायब थी और पिता शादीशुदा वकील असगर हुसैन थे, जिन्होंने इनकी मां और इन्हें जन्म के बाद छोड़ दिया था। इसके बाद इनका सारा बचपन कोठे पर ही बीता था। इनका सारा ध्यान बचपन से खेलने पर था, लेकिन इनकी मां ने इन्हें गाना सीखने पर जोर दिया। बचपन में बेगम संगीत सीखने उस्ताद मोहम्मद खान के पास जाती थी। शुरुआती दिनों में ये सुर नहीं लगा पाती थी, जिसकी वजह से उस्ताद ने एक बार इन्हें डांट दिया। इस पर बेगम रोने लगी और कहा कि इन्हें संगीत नहीं सीखना। उस्ताद ने इन्हें प्यार से समझाया और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई फैजाबादी ने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सरोजनी नायडू ने इन्हें सुना और इनके गायन से प्रभावित होकर इन्हें साड़ी भेंट की, जिसके बाद अख्तरी भाई फैजाबादी को लोग इनकी गायकी की वजह से पसंद करने लगे थे। लेकिन कुछ लोग इन्हें तवायफ ही समझते थे। बचपन से ही पिता का साथ नहीं मिला, मां ने भी कुछ खास सपोर्ट नहीं किया, तो ये बचपन से अकेली रही थी, इसलिए ये अकेलेपन से डरती थी। और ऐसे में इन्होंने शराब और सिगरेट का सहारा लिया। धीरे धीरे इन्हें सिगरेट पीने की लत लग गई। एक बार जब ये ट्रेन में जा रही थी तो स्टेशन पर इन्हें सिगरेट नहीं मिली। ऐसे में इन्होंने ट्रेन रुकवा दी और गार्ड से सिगरेट लेने के लिए उसका झंडा और लालटेन छीन लिया। इसके बाद गार्ड ने इन्हें सिगरेट लाकर दी। इस तरह से एक तरफ इनका नाम हो रहा था, उस तरफ ये नशे में डूबी हुई थी। लेकिन जब ये गाने बैठती तो सब कुछ भूल जाती। लोग इनकी आवाज सुनते ही ठहर कर इनकी गजलें सुना करते थे। इतना जादू था इनकी आवाज में, इसलिए इन्हें मलिकाए गजल का भी टैग मिला था। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो बेगम अख्तर ने 1945 में परिवार के खिलाफ जाकर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी रचा ली और अपना नाम बेगम अख्तर रख लिया। इसके बाद पति के कहने पर इन्होंने गाना छोड़ दिया और बीमार रहने लगी। 1949 बेगम ने दोबारा से गायकी में वापसी की और 3 गजल और 1 दादरा गाया। इसके बाद मरते दम तक इन्होंने डॉक्टरों के कहने के बाद भी अपनी गायकी को नहीं छोड़ा। 1974 में बेगम अहमदाबाद के मंच पर कैफी आजमी की गजल गा रही थी। उस दौरान ये काफी बीमार थी, गाते हुए तबीयत और भी बिगड़ गई। डॉक्टरों ने भी इन्हें गाना ना गाने की सलाह दी, लेकिन ये नहीं माने। फिर स्टेज से इन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां हार्ट अटैक के चलते 30 अक्टूबर 1974 को इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस मशहूर मलिकाए गजल के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।